प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा भारत जोड़ो अभियान को लेकर पदयात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस जनों ने प्रातः 8:30 बजे चंडी चौक में एकत्रित होकर मां चंडी का मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा प्रारंभ की। आजादी के 75 अमृत वर्ष गांठ पर 9 से 14 अगस्त तक प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले स्वाधीनता की गौरव यात्रा निकाली जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकलेगी। इसकी सफलता और कुशल संचालन व प्रबंधन की जिम्मेदारी पीसीसी ने विधायकों व पराजित उम्मीदवारों को दी है। इनकी अगुवाई में विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकाली जाएगी। पीसीसी की योजना पर गौर करें तो स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचेगी और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान और आजादी के बाद नए भारत के निर्माण में कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव एवं मनमोहन सिंह द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख भी करेंगे। गौरव यात्रा ये बहुत ही ऐतिहासिक है, गौरवशाली है। भारत जोड़ो अभियान के तहत हम सब क्रांति दिवस मना रहे हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और पहला तिरंगा लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में फहराया जी। और तब से लेकर आज तक जो देश में सद्भावना, भाईचारा और एकता का वातावरण बना है उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी। गौरव यात्रा हमारा क्रांति दिवस है, 9 अगस्त के दिन हम लोग क्रांति दिवस मनाते हैं। हमारे महापुरुषों ने जो देश में आज़ादी दिलाई थी, आज उसका बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम यहाँ पे जो खड़े हैं तो हमारे पूर्वजों के माध्यम से खड़े हैं। हम महिलाओं से भी यही आह्वान करते हैं, हमारी यदि हम इतिहास में उठा के देखते हैं, महिलाओं ने भी देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने अपनी एक एक बूंद से इस देश को रचा है।